कि श्योपुर और मुरैना ये जिले पिछड़े जिलों में आते थे, लेकिन अधोसंरचना की दृष्टि से इन जिलों में काफी काम करने की कोशिश हुई है। गांव में अब सड़क की उपलब्धता है, गांव गांव में साफ पानी मिले, इसके लिए कुछ नल जल योजनाएं पहले बनी और अब जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में टोटी से जल मिले, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। गांव में गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास मिले। पिछले बार आपको ध्यान है, मैं और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आए थे, एक ही दिन में 19,000 मकान हमारे शहरिया भाई बहनों को देने का काम ऐतिहासिक रूप से उस दिन किया गया। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर को बिजली मिले, हर घर को शौचालय मिले, यह सुनिश्चित करने का काम भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार कर रही है। हमारे ये क्षेत्र कृषि वाले क्षेत्र हैं, यहां किसान भाई बहन और राजनीतिक दलों के भी सभी प्रमुख पदाधिकारी और पंचायती राज संस्थाओं के, नगरीय निकायों के अनेक पदाधिकारी दोनों जिलों में बैठे हुए। मैं उन सब लोगों को भी कहना चाहता हूं कि हमारी कृषि उन्नत कृषि के रूप में तब्दील हो, इस मामले में सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जगह जगह पर कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, राज्य शासन की ओर से आत्मा जैसी परियोजना काम कर रही है। कृषि उन्नत हो इसके लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वो कार्यक्रम गांव तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे, जिससे किसान की आमदनी में वृद्धि हो। आप सबको मालूम है पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया वार्षिक किसान को दिया जा रहा है, 4,000 रुपया प्रतिवर्ष राज्य शासन की ओर से दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश के किसानों को 10,000 रुपया साल मिल रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे दोनों जिलों के कलेक्टर महोदय और आला ऑफिसर सब मौजूद हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त प्रधानमंत्री जी जारी करने वाले हैं। देश भर में डाटा शुद्धिकरण का काम हो रहा है, हमको मुरैना और श्योपुर जिले में ये कोशिश अभियान के रूप में करनी चाहिए कि हमारे जिले में कोई भी ऐसा किसान जो इस योजना के लिए पात्रता रखता है उसका नाम जुड़ने से न रह जाए, हर आदमी को किस्त मिले, यह जरूरी है। और भारत सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, जिले और राज्य डाटा फीड करेंगे तो हम पूरा का पूरा पैसा उनको उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारे यहां फर्टिलाइजर का उपयोग काफी होता है, कुछ लोग तो ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, उसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। इसलिए भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर बल देना प्रारंभ किया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी तमाम बहनों ने